आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आईपीमेट 2021 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। सो यू नो गाइस, लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना वायरस आईपीमेट एग्जाम चेंज्ड इट्स पैटर्न, चेंज्ड इट्स एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न वाज सेम, ठीक है। वही आपके पास में तीन सेक्शन थे, क्यूए क्यूए में आपके दो सेक्शन, दैट इज एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर्स, एंड वन सेक्शन इज द वर्बल एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन वॉज रिड्यूस, नंबर ऑफ टाइम जो जो सॉरी जो आपका टाइम था वो भी रिड्यूस हुआ था, लेकिन जो आपका सिलेबस था समहाउ वॉज द सेम। तो अगर आप यहाँ पे देखें, देर वर टोटल 30 क्वेश्चन इन द क्वांट सेक्शन, 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर्स में थे एंड 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में थे। लेकिन अगर हम 2022 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो पुराने जैसे ये सेम है आपके पास में, कि क्यूए में आपके शॉर्ट आंसर्स में आपके 20 क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू में आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एबिलिटी में आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को चेक कर सकते हो। अब इसमें आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस यू कैन सी, आप मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने 2019 एंड 2020 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस, चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखो, नंबर सिस्टम के टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस, प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज टोटल 3 क्वेश्चंस, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, परसेंटेज 2 क्वेश्चंस, फंक्शंस के टोटल 4 क्वेश्चंस, लॉगरिथम 1, मैट्रिसेस 1 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री 1, सेट थ्योरी 1, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 1 क्वेश्चंस, एंड इस बार जो डीआई का जो उन्होंने 2021 में सेट दिया था वो आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट टाइप का सेट था, 5 क्वेश्चंस उसके, तो डीआई के 5 क्वेश्चंस फिक्स है। तो इस तरीके से आपके टोटल 30 क्वेश्चंस थे। तो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर सिस्टम 2019 एंड 20 में भी, आपके जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन थे इन 2019 वाज़ द 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द नंबर सिस्टम। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो डोंट मिस दिस टॉपिक बिफोर अपियरिंग द एग्जाम। अगर आप लोग यहाँ पे वर्बल सेक्शन की बात करें, वर्बल सेक्शन में भी देर वर टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इस बार 40 क्वेश्चन ही होने वाले हैं आपके पास। आरसी में, आरसी जो था उसमें टोटल 6 क्वेश्चन, वर्ड फ्रेजेस यूज करने वाले टोटल 6 क्वेश्चन थे, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन 3 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन। दीज वर एक्चुअली आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको ग्रामर यहाँ पर स्टडी करना है, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, ये भी समहाउ ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रामर वोकैबुलरी, तो ये आपके 5 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजम्बल्स टोटल 3 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन आपके पास वर्बल सेक्शन में थे। सो फॉर द वर्बल सेक्शन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग आरसीस का प्रैक्टिस करो, ठीक है, वो कैब का प्रैक्टिस करो, उसके साथ साथ डोंट मिस द ग्रामर, ठीक है, ग्रामर पार्ट, क्योंकि अगर आप सेंटेंस करेक्शन कर रहे हो, सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हो, इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट कर रहे हो, ये समहाउ आपका किस पे बेस है, ये आपका ग्रामर पे बेस है। तो टोटल 3, 7, 10 और 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 only was on the basis of the grammar. तो ग्रामर को मिस आउट नहीं करना है। I will upload this Excel sheet on the description box. तो वो भी आप चेक कर लेना, ताकि आप लोग अपने टॉपिक्स को मार्क कर सके कि आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं या कितने टॉपिक नहीं कवर किए हैं। सो दिस वॉज द पैटर्न फॉर द IPMET इंदौर 2021। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो थैंक यू, आप इसको लाइक कर देना, ठीक है, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस, एंड जो आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, सो आपको